नमस्कार दोस्तों, संध्या वेज किचन में आपका स्वागत है। आज मैं भुट्टे के चाट की रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, जिसको बनाना बहुत ही आसान है और खाने में वो बहुत ही टेस्टी लगती है। बारिश का मौसम है, इस समय भुट्टे बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, तो एक बार खाना तो इसको बनता है। तो चलिए सामग्री देख लेते हैं कि क्या क्या लगती है। एक हरी मिर्च को इस तरीके से कट कर लिए हैं, दो भुट्टे लिए हैं, छील करके इसका छिलका उतार लिया है, और जो इसमें ऐसे इस तरीके से बाल होते हैं उसको भी अच्छी तरीके से निकाल लिया है। प्याज, नींबू, टमाटर, हरा धनिया, काला नमक, सादा नमक, जीरा पाउडर, चाट मसाला, लाल मिर्ची पाउडर। तो चलिए चलते हैं आगे की प्रोसेस में। तो इस तरीके से हमने इसके पार्ट कर लिए हैं अलग अलग ऐसे, और इसमें डाल दिया है कुकर में, और इसमें डाल देंगे पानी क्योंकि हमें इसको उबालना है। और अब डाल देंगे सादा नमक, पानी इसमें अभी और डालूंगी मैं, 1.5 चम्मच है सादा नमक। तो ये देखिए पानी और डालेंगे इसको, ताकि पूरा ये डूब जाए, इतना पानी डालना है। और इसको उबालेंगे, इसको गैस पे चढ़ा देंगे। तो ये देखिए हमने इसको अच्छी तरीके से पका लिया है, आधे घंटे तक पका है। इसको पकने में थोड़ा सा टाइम लगता है, और इसके अब हम दाने निकालेंगे। ये देखिए इस तरीके से पक गया है ये, और इसके अब हम दाने निकाल लेंगे। तो ये देखिए हमने भुट्टे के दाने इस तरीके से निकाल दिए हैं। अब ये एक बर्तन ले लेंगे, और इसमें डाल देंगे भुट्टे के दाने जो हमने निकाल के रखे हैं। और अब डाल देंगे हम इसमें टमाटर। भुट्टा हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। ये देखिए अब हम डालेंगे प्याज, हरी मिर्च, काला नमक। इससे पहले मैं सादा नमक डाल चुकी थी उसमें, तो सादा नमक नहीं डालेंगे, काला नमक ही डालूंगी। जीरा पाउडर, भुना हुआ जीरा को भून करके इसका पाउडर बना लिया था, तो ये डाल देंगे। इन सारी सामग्रियों को इस तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए इस तरीके से सारी सामग्री मिल गई है इसमें। और अब डाल देंगे हम लाल मिर्ची पाउडर। तो लाल मिर्ची पाउडर आप अपने हिसाब से दीजिएगा, कम या ज़्यादा, इसे भी इस तरीके से मिला लें। अब नींबू का रस डाल देंगे, इसे भी इस तरीके से मिला लें। धनिया की पत्ती डाल देंगे, और चाट मसाला, इन सबको इस तरीके से मिला लें। इसमें विटामिन ए होता है, तो हमारे दांतों के लिए, आँखों के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। तो आप भुट्टा को उबाल करके खाइए, ये सेक करके खाइए, इस तरीके से बना करके खाइए, बच्चों को खिलाइए। और इस टाइम पे बहुत ज़्यादा भुट्टा आता है, तो इसको खाना तो बनता है एक बार। तो ये देखिए हमारी चाट अच्छी तरीके से बन चुकी है, तो चलिए चलते हैं प्लेटिंग की तरफ। ये देखिए हमारा बहुत ही टेस्टी चाट बन करके तैयार है। बनाने में बहुत जल्दी बन जाता है और खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, उसके बगल में छोटी सी घंटी है उसको दबाना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि हमारे नए नए रेसिपी के वीडियो आपको सबसे पहले मिलें।